शिवराज मामा की जनसुनवाई हुई अनाथ। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में नहीं पहुंचा कोई भी अधिकारी कर्मचारी। शिकायतकर्ता जनसुनवाई केंद्र में कोई नहीं होने से निराश लौटे। मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार प्रति मंगलवार को जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन होता है। मंगलवार को जनपद पंचायत महेश्वर के अहिल्या सभागृह में जन सुनवाई का आयोजन होना था। सभागृह तो खोल दिया गया, लेकिन जन सुनवाई के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं हुआ। वही मात्र दो विभाग के दो कर्मचारी जन सुनवाई में पहुंचे, वह भी थोड़ी देर बैठकर चले गए। शिवराज मामा की जन सुनवाई महेश्वर ब्लॉक में अपना दम तोड़ती जा रही है। शिकायतों के आवेदनों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते जन सुनवाई जैसी महत्वपूर्ण सहायता केंद्र की मिट्टी पलित होती जा रही है। जहां एक ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन सुनवाई को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं उनके अधिकारी कर्मचारी जन सुनवाई को लेकर जागरूक नहीं हैं। यही कारण है कि जनता का मोह जन सुनवाई से भंग होता जा रहा है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस पर खरगोन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जन सुनवाई में आवेदन लेते रहे, वहीं महेश्वर जनपद में अधिकारी कर्मचारी नदारद नजर आए। लाड़ी का निवासी हूँ बद्रीलाल यादव, कि हम 35 वर्ष से वहीं निवासरत हैं, तो उसमें हमारे मकानों के पट्टे नहीं थे, तो हम इस सोचे कि आबादी क्षेत्र में उसको घोषित किया जाए और आबादी हमको लाभ मिला जाए, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत हमको लाभ मिले जाए। तो आप जनसुनवाई में आवेदन देने आया? मैं जनसुनवाई में आवेदन दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं मिला। हमारे मकान में इब्राहिम पिता यशुपाली जाति बोरा का मकान है, जो 15 वर्ष से खंडहर पड़ा हुआ है, जिसका मलमा इतना हो गया है कि वहाँ सांप नेवले बिच्छू रहते हैं, और मकान मालिक से चर्चा करी थी कि हमको कुछ नहीं करना है, वो जैसा है वैसा ही रहने देना, आपने अपनी दीवार का भी पलिस्तर मत करना। तो इस चीज़ को लेकर आपने कहीं शिकायत की है क्या? इस चीज़ को लेकर मैंने 4 आवेदन यहाँ जन सुनवाई में दे चुका हूँ महेश्वर में, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट खरगोन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट